good morning friends let's start our lecture number 22 of economics under the topic of banking system in india today we will see very most important topics like payment bank and small finance bank okay before starting payment bank and small finance bank we will see background of payment bank and small finance bank from where it emerged so let's start let's see nichiket more committee report payment bank and finance small finance bank background started from nichiket more committee report because they are recommended to establish payment bank and small finance bank so it is more important if there is a question on payment bank and small banks in introduction you will mention that that दिस बैंक वेयर इस्टेब्लिश अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ निचकेत मोर कमेटी रिपोर्ट ये जो दोनों बैंक है निचकेत मोर कमेटी रिपोर्ट के अंतर्गत बनाया गया तो आप अगर इंट्रोडक्शन लिखिएगा अगर पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक पे मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन में ये मेंशन जरूर करिएगा कि दिस बोथ बैंक्स या जिसका भी अगर एक का पूछा है तो दिस बैंक्स कम्स आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ निजिकेत मोर कमेटी रिपोर्ट ओके और अगर पी सी एस स्टेट पी सी एस यू पी एस सी में तो चांसेस कम है बट पूछ सकता है बट स्टेट पी सी एस में चांसेज हैं तो ध्यान रखिएगा लोग पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसके अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था कमेटी ने सजेस्ट किया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे अचीव करना है उसके अंतर्गत ये दोनों आया तो आइए कमेटी का सजेशन देखते हैं ओके स्टार्ट सजेशन ओके पहला सजेशन इनका क्या, क्या था आधार को सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाए और उसको बैंक अकाउंट देने के लिए मस्ट कर दिया जाए ओके आधार मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग bank account okay another suggestion is that for the beginning of 2014 within period of 12 months 50% of population of the age of 18 or above should provide it with bank account okay and rest are अनदर ट्वेल्थमैन यानी कि 2014 की शुरुआत से लेकर 12 महीने तक के अंदर यानी कि एक साल के अंदर 50 परसेंट पॉपुलेशन जो कि 18 साल या 18 साल से एवव की है उन्हें बैंक अकाउंट दे दिया जाए ओके और उसके अगले 12 महीने में बचे हुए 50 प्रतिशत यानी कि बचे हुए जो बचे जाएंगे 50 से ज़्यादा भी जा सकता है तो रेस्ट जितने बचेंगे उनको उसके अगले महीने में अगले साल में अगले ट्वेल्थ मंथ में ओके ट्वेल्थ मंथ में आइए देख लेते हैं लिख लेते हैं इसको क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट्स है तो लिखना जरूरी है तो साथ में लिखते रहिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2014 थाउजेंड फोर्टीन विद इन पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ फिफ्टी परसेंट ऑफ Population of the age eighteen and above should be provided with the bank account, okay? And rest are in. समझ गए दोनों अब तीसरा पॉइंट देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है कि बैंकिंग फैसिलिटी इन रूरल एरिया एट फिफ्टीन मिनट वॉकिंग डिस्टेंस यानी कि बैंकिंग सिस्टम जो बैंक हैं एटीएम्स हैं जनधन योजना के तहत जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पीटीएम टी बैंक खोले जाए बैंकिंग सिस्टम जो है कि आपके घर से सिर्फ पंद्रह मिनट की वॉकिंग पे रहना चाहिए ये उसका सजेशन था बैंकिंग फैसिलिटी यानी कि अपने घर से आदमी चले तो पंद्रह मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे उसे बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाए रूरल एरिया में यानि कि गांव में ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में ओके बैंकिंग फैसिलिटी रूरल एरिया एट फिफ्टीन मिनट वॉकिंग डिस्टेंस ओके उसके बाद देखते हैं फोर्थ फोर्थ पे देखते हैं फोर्थ है क्या कि डेडिकेटेड बैंक इसके लिए खोला जाए डेडी बैंक डेडिकेटेड बैंक शुड बी सेटअप विच वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनली अचीविंग द गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन उसी के अंतर्गत पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टेब्लिश किया गया डेडिकेटेड बैंक्स शुड बी सेटअप विच वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन दी अचीविंग दोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ओके अब देखते हैं कि लाइसेंस प्रोवाइड किया गया क्या गाइडलाइंस थे पेमेंट बैंक्स के लिए ओके टू प्रोवाइड लाइसेंस फॉर दिस बैंक आर बी आई कम्स विथ गाइडलाइंस इन टू थाउजेंड फोर्टीन पेमेंट बैंक इस्टेब्लिश करने के लिए पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए आर बी आई ने कुछ गाइडलाइंस निकाले नवम्बर दो हजार चौदह में अब आइए उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके कम से कम दस ग्यारह गाइडलाइंस थे सारे को देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है पहला क्या है कि मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हंड्रेड करोड़ मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि बैंक खोलने के लिए मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करना होगा किसी प्रमोटर को वो होगा हंड्रेड करोड़ या उससे ज्यादा मिनिमम ओके और दूसरा क्या है कि पहले पांच साल में प्रमोटर को अपनी होल्डिंग फोर्टी पिला देना होगा और बारह साल के अंत तक प्रमोटर को अपनी होल्डिंग ट्वेंटी सिक्स पिला देना होगा ओके विद इन फर्स्ट फाइव ईयर्स प्रमोटर शुड ब्रिंग डाउन हीज एंड हर holding to 40% okay then by the end of 12 years 40 should come to 26% this is the second condition for opening payment bank let's see third condition third condition is that branches is only in ruler area okay ब्रांचेज शुड बी ओनली इन रूरल एरियाज ओके बट दे कैन ओपन बट दे कैन ओपन सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर इन अर्बन एरिया ओके ब्रांचेस शुड बी ओनली इन रूरल एरिया बट दे कैन ओपन सर्विस सेंटर्स इन अर्बन एरिया जो पेमेंट बैंक होंगे उनके ब्रांचेस सिर्फ रूरल एरिया में होंगे सर्विस सेंटर आप खोज सकते हैं शहरी इलाकों में ओके okay. फोर्थ देखते हैं ये ओनली डिपोजिट फ्रॉम सेविंग बैंक एंड करेंट बैंक से एक्सेप्ट करेंगे ओके okay? यानी कि ये डेबिट कार्ड और चेकबुक ऐसे ही इशू कर सकते हैं ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जियो डिपोज़िट सिर्फ लेते हैं जो एन के अंदर देखे थे हम लोग कि जो एन सिर्फ डिपॉज़िट लेती है वो सेविंग बैंक और करेंट अकाउंट दे सकती है ओके okay? और वो डेबिट कार्ड और चेकबुक भी इशू कर सकती है

फिफ्थ क्या है कैन नॉट प्रोवाइड लोन एंड डेबिट कार्ड क्योंकि डिपोजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं बस बट दे नहीं सकते हैं लोन और लोन नहीं दे सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते हैं कैन नॉट प्रोवाइड लोन एंड क्रेडिट कार्ड ओके अर्लियर एक्सेप्ट डिपोजिट ऑफ वन लेख नाव फ्रॉम अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू लैख पहले जो है ये डिपोजिट सिर्फ एक लाख तक का लेते थे बट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में अप्रैल में चेंज इसमें किया गया अब ये लेते हैं दो तो लाख तक का ठीक है डिपोजिट ऑफ वन लैख रुपीज बट नाव फ्रॉम अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दे शुड टेक टेक अप टू टू लैख रुपीज ओके ना लेट सी सेवन सेवेंथ पॉइंट क्या है सेवन सजेशन क्या है ये सीयर आर कॉमर्शियल बैंक के इक्वल मेंटेन करेंगे सियर आर क्या होता है सीआर आर वो होता है आप अपने डिपोजिट टोटल लाइडबिलिटी एन डी टी एल का कुछ परसेंट मेंटेन करते हैं कैश के रूप में जो कि आप यूज नहीं कर सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा वो होता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो कि आपको पीछे के लेक्चर्स में पढ़ाया गया है आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं ओके और ये जो सीआरआर मेंटेन करेंगे वो कॉमर्शियल बैंक के इक्वल टू होगा ठीक है के बाद देखते हैं एट्थ पॉइंट एट्थ पॉइंट क्या है मेंटेन ये आर भी मेंटेन करेंगे बट ये एस एल आर केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में करेंगे चूंकि कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं कैश गोल्ड एंड सिक्योरिटी तीनों फॉर्म में कर सकते हैं बट ये क्या करेंगे <coughs> सॉरी केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में करेंगे ओके ओनली इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड उसका मेच्योरिटी पीरियड जो होगा एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओके okay? और सीएलआर एस एल जो है आप लोग जानते हैं इंटरेस्ट भी मिलता है और यहां जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उनके सोर्स ऑफ इनकम होगा इंटरेस्ट ऑंड सोर्स ऑफ इनकम और ये देखिए ये क्या था पचहत्तर परसेंट टोटल डिपॉजिट का पचहत्तर परसेंट ये एस के फॉर्म में रखेंगे यानी कि उसको यूज नहीं कर सकते हैं आइए देखते हैं नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट क्या कहता है रिमेनिंग मनी जो सी और एस एल करने के बाद जो पैसा बचेगा वो बैंक अपने साथ नहीं रख सकता है उसको भी बैंक जो तो पेमेंट बैंक है उसे भी अपने पास नहीं रखेगा उसे भी किसी करेंट अकाउंट में डिपोजिट करेगा किसी कमर्शियल बैंक के पास या तो फिर रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट कमर्शियल बैंक के पास खोल रखा रहेगा उसमें डिपोजिट कर देगा रिमेनिंग मनी आफ्टर सी आर आर एंड एस एल आर पेमेंट बैंक कैन नॉट कैप्ट विथ हिम सेल्फ ओके क्या करेगा कैप्ट इन द फॉर्म ऑफ करेंट अकाउंट डिपोजिट विथ कॉमर्शियल बैंक या फिर रिकरिंग डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक ओके ये भी है उनका इंटरेस्ट अर्न करने का क्योंकि डिपोजिट करेगा जब करेंट अकाउंट में कॉमर्शियल बैंक के साथ तो उस पैसे पे इंटरेस्ट पे करेगी बैंक्स ओके इंटरेस्ट अर्न सोर्स ऑफ इनकम ओके okay. तीसरा क्या है एक्ट एज एजेंट फॉर इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड एंड गेट कमीशन ये इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए एजेंट का काम करती हैं और वहां से भी ये पैसा कमाते हैं ओके एक्ट एज एजेंट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स एंड गेट कमीशन ओके ये भी होता है इनके कमाई का जरिया यहाँ से भी वो लोग पैसा कमाते हैं कैसे कमीशन कमीशन और इज सोर्स ऑफ इनकम ओके समझ गए? आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो रहता है इसका बहुत लो होता है क्योंकि ये इनको ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं यानी कि आप सारे डिटेल्स सब कुछ अपने मोबाइल पे ही पा जाते हैं ठीक है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन डू टू यूज ऑफ मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी जैसे कि आप लोग तो जानते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक है तो उसमें ना आपको पासबुक मेंटेन करने की जरूरत है ना डेबिट कार्ड मेंटेन करने की जरूरत है ओके ना ही कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत है ना वो कोई डॉक्यूमेंट ऑफलाइन मेंटेन करते हैं आपका सारी चीजें ऑनलाइन चलती हैं ना उनका कोई ब्रांच है कि तमाम फलाना ब्रांच खोल रखा है यहाँ ब्रांच वहाँ ब्रांच वो एक मेन सेंटर में खोलते हैं और कुछ रूरल्स एरिया में खोलते हैं वो भी बड़ा नहीं होता है कि खूब सारे स्टाफ बैठे हैं फलाना ढिमका ना वो दो तीन स्टाफ के साथ छोटे छोटे शॉप्स टाइप का खोल के वर्क करते रहते हैं ओके इसलिए उनका ऑपरेशन कॉस्ट लेस होता है ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ओके okay? पानी पी लीजिए आप लोग भी तब तक मैं भी पी लूँ चलिए बैक टू टॉपिक कॉन्क्लूजन क्या है कि मार्जिन ऑफ पेमेंट बैंक जो है बहुत लो है इसलिए बहुत डिफिकल्ट है इनको सरवाइव करना ओके okay? क्योंकि कमाने का जरिया उतना नहीं है इसलिए बहुत डिफिकल्ट है इनको सर्वाइव करना और पहला पेमेंट बैंक क्या था कौन सा था एयरटेल पेमेंट बैंक और इंडियन पोस्ट ऑफिस के पास भी लाइसेंस है पेमेंट बैंक सेटअप करने का क्या वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे देखते हैं गाइडलाइंस फॉर एसएफबीज एसएफबीज क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक अब देखेंगे हम लोग कि एस एफ बीज को सेटअप करने के लिए आर ने 2014 थाउजेंड नवम्बर में क्या क्या गाइडलाइंस दिए थे और इसको फिर देखेंगे 2019 में एस के लिए अमेंडमेंट हुआ था फिर 2001 21 में में रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है इसमें ओके ये आज का हमारा लॉस्ट टॉपिक होगा फिर हम कल से चालू करेंगे नया टॉपिक वो होगा हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ओके चलिए तो गाइडलाइंस देखते हैं एस के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए तो लेट्स सी पहला कोई भी गाइडलाइंस देगा सेटअप करने के लिए तो पहला उसमें आपको डाल याद रखना है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है ठीक है मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें भी पहले था हंड्रेड करोड़ रुपीस बाद में ये दो सौ होगा फिर बाद में तीन सौ हो जाए करेंटली तीन सौ करोड़ रुपए ज़रूरत होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए ठीक है चलिए अब दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रमोटर जो है पहले पाँच साल में चालीस परसेंट पे लाएगा अपनी होल्डिंग और फिर उसके अगले बारह साल में छब्बीस परसेंट पे ला देगा ठीक है ये भी बाद में अमेंड होता है 2019 में कि प्रमोटर जो है आखिरी पंद्रह साल तक यानि कि पहले पाँच साल में चालीस फिर उसके बाद पंद्रह साल के अंत अंत तक पंद्रह परसेंट तक प्रमोटर को अपना होल्डिंग लाना होगा ठीक है पहले इसको देख लेते हैं उसे भी देखेंगे साथ में कंपेयर करते हुए चल रहा हूँ क्या मालूम कंपेयर के लिए आ जाए तो आप लोग याद रख पाए प्रमोटर ब्रिंग डाउन होल्डिंग फोर्टी परसेंट इन फर्स्ट फाइव ईयर्स ओके एंड देन ट्वेंटी सिक्स परसेंट इन द एंड ऑफ ट्वेल्व ईयर्स यानी कि बारहवें साल अंत तक उसे 26 परसेंट पे लाना होगा ठीक है अब तीसरा देखते हैं तीसरा क्या है कि जो इसका ब्रांच है वो रूरल और अर्बन दोनों एरिया में होगा बट वन फोर्थ यानी कि 100 है तो 25 कम से कम रूरल एरिया में होना कंपलसरी है ओके लिख लीजिए इसको जैसा कि आप लोगों ने पेमेंट बैंक्स में देखा तो वो सिर्फ रूरल एरिया में होगा बट इसमें क्या है कि दोनों जगह होगा बट रूरल में वन फोर्थ रहना कंपलसरी है ब्रांच बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया बट वन फोर्थ ऑफ द टोटल विल बी इन रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे एग्जाम्पल देखिए हंड्रेड बैंक्स हंड्रेड ब्रांच ऑफ एनी एक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड देर सो वन फोर्थ वन फोर्थ ऑफ हंड्रेड यानी कि ट्वेंटी फाइव मस्ट बी इन रूरल एरिया ओके समझ गए आप लोग आइए आगे, आगे देखते हैं क्या क्या ये एक्सेप्ट करता है ये डिपोजिट लोन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब चेकबुक सब एक्सेप्ट करता है और देता है एक्सेप्ट एंड गिव और लेकिन पेमेंट बैंक से अगर कंपैरिजन आएगा तो याद रखिएगा लोगों की पेमेंट बैंक केवल डिपोजिट और डेबिट कार्ड और चेकबुक लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं प्रोवाइड कराता है डिपोजिट लोन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और चेकबुक सब प्रोवाइड कराता है एस फिफ्थ देखते हैं इसमें भी मेंटेन एसएलआर और सीआरआर करना होता है कॉमर्शियल बैंक के बराबर जैसे कि हमने देखा था पेमेंट बैंक में जो है एस एल आर जो है सेवेंटी फाइव परसेंट मेंटेन करना रहता था लेकिन इसमें क्या है कि एस एल आर भी कॉमर्शियल बैंक जितना ही मेंटेन करना होता है ओके सिक्स पॉइंट देखते हैं आउट ऑफ टोटल लोन सेवेंटी फाइव परसेंट टू पी एस एल पी एस एल याद है कि भूल गए आप लोग चलिए याद दिला देता हूं रिवीजन करते रहिए आउट ऑफ टोटल लोन सेवेंटी फाइव परसेंट मस्ट गो टू पी एस एल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंड्स जो कि बाकी सभी बैंकों के लिए फॉरेन या कॉमर्शियल बैंक जो इंडियन बैंक हैं सबके लिए होता है फोर्टी परसेंट ओके बट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में देना सेवेंटी फाइव परसेंट अनिवार्य है आइए लास्ट देखते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट लास्ट है हमारा आउट ऑफ टोटल लोन फिफ्टी परसेंट लोन शुड गो इन सच मैनर दैट नो वन गेट मोर देन ट्वेंटी फाइव यानी कि जो लोन है पचास परसेंट लोन ऐसा जाना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति पच्चीस लाख से ज्यादा ना पाए आउट ऑफ टोटल लोन फिफ्टी परसेंट लोन शुड गो इन सच मैनर नो वन गेट मोर देन ट्वेंटी फाइव लैक्स रुपीज आइए आपको एग्जाम्पल्स इसको समझाता हूँ जैसे कि दस हजार करोड़ का लोन बैंक ने दिया तो दस हजार करोड़ का जो लोन दे रही है तो उसमें से पांच हजार करोड़ सॉरी पाँच हज़ार करोड़ का लोन ऐसे देना है इनको कि कोई एक व्यक्ति पच्चीस लाख ना पाए बाकी जो पाँच सौ पाँच हजार करोड़ बचेगा वो किसी मैनर में दें कोई दिक्कत नहीं बट पाँच हजार करोड़ उनको लोन इस तरह बांटना है कि पच्चीस लाख से कम वालों की संख्या को मिला के पाँच करोड़ लोन डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए ओके अब देखते हैं कि टू में अमेंडमेंट क्या हुआ 2019 में अमेंडमेंट क्या हो गया कि ऑन टैप प्रोसेस यानि कि जब आपके पास पैसा है आप गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए तैयार हैं तब आप आर के पास रिक्वेस्ट करिए ऑन टैप प्रोसेस का यूज करिए और बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए बैंकिंग लाइसेंस फैसिलिटी क्या हो गया ऑन टैप दूसरा क्या किया गया कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो सौ करोड़ था अब कर दिया गया दो सौ करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू हंड्रेड करोड़ ओके पहले क्या था सौ करोड़ सौ करोड़ से क्या हुआ दो सौ करोड़ यानी इंक्रीज कर दिया गया आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है कि होल्डिंग जो था पहले कि पहले पांच साल में चालीस परसेंट पे लाना होता था उसके बाद बारह साल में यानी कि बारह साल के अंत तक छब्बीस परसेंट पे लाना होता था अब इसमें अमेंडमेंट करके क्या किया गया कि ये जो आपका होल्डिंग है उसे अब पंद्रह परसेंट पे लाना होगा पंद्रह साल के अंत तक होल्डिंग फाइव ईयर फर्स्ट है फाइव ईयर फोर्टी परसेंट और इसे लाना होगा पंद्रह परसेंट पे बाय द एंड ऑफ ऑफर्स पंद्रह साल के अंत पे, अंत तक इसे पे तक पंद्रह परसेंट पे ला आना होगा ओके okay, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या है कि वंस स्मॉल फाइनेंस बैंक अटेंस अटेंड नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ यानी कि उनकी कमाई उनके बैंक की वैल्यू उनकी कंपनी की वैल्यू जब 500 करोड़ पार कर देगी तो तीन साल के अंदर अंदर उन्हें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना होगा वंस स्मॉल फाइनेंस बैंक अटेंस अ नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ रुपीस विद इन पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स हैव टू लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट ओके यानी कि दो सौ करोड़ जो इनकी कंपनी की वैल्यू है जब वो पांच सौ करोड़ पे पहुंच जाएगी तीन साल के अंदर यानी पाँच सौ करोड़ पहुंचते उसके बाद तीन साल के अंदर उन्हें स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होगा आइए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि ऑल पेमेंट बैंक कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इनटू टू एस एफ बी जो पेमेंट बैंक हैं सारे पेमेंट बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं एस एफ बी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उनके घाटा को देखते हुए ये अमेंडमेंट लाया गया यह प्रोविजन लाया गया कि जो पेमेंट बैंक हैं वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में और लाइसेंस कभी भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन टैप प्रोसेस के थ्रू ओके फॉर्म इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लास्ट पॉइंट देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि रूल्स रिलेटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर एस एफ बी आर सेम एज कॉमर्शियल बैंक जो रूल्स कमर्शियल बैंक के लिए है एस में इन्वेस्ट करने के लिए वही सेम रहेगा इसके लिए फॉरेन बैंक्स के लिए भी ओके okay. इसको भी लिख लीजिए रास पॉइंट रूल्स रिलेटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर एस एफ बीस यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक आर सेम एज कॉमर्शियल बैंक ओके अब देखेंगे लास्ट अमेंडमेंट क्या हुआ था इसमें यानी कि जो रिसेंट अमेंडमेंट है रिसेंट अमेंडमेंट को हम देखेंगे अमेंडमेंट इन 2021 थाउजेंड एस एफ बी बाई रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल वर्किंग ग्रुप फॉर्म बाई आर बी आई इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू आर बी आई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया दो हजार बीस में जिसके रिकमेंडेशन के बाद दो हजार इक्कीस में अमेंडमेंट किया गया इसमें ज्यादा अमेंडमेंट नहीं हुए थे तो बस दो अमेंडमेंट हुआ था क्या हुआ था पहला अमेंडमेंट यह था कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसे थ्री थाउजेंड करोड़ कर दिया गया था मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्री सॉरी थ्री हंड्रेड करोड़ रुपीस कर दिया गया था और दूसरा रिकमेंडेशन इनका था क्या था कि फ्यूचर के जो भी एस खुलेंगे आठ साल के अंदर उन्हें लिस्ट होना होगा स्टॉक एक्सचेंज में SF20 और जो पुराने हैं उनके लिए सेम वही रूल रहेगा कि पांच सौ करोड़ पहुंचने के तीन साल के अंदर पहुंचना होगा ओके थैंक यू सो मच अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा हमारा इंस्टाग्राम आईडी है यू पी एस सी अंडर स्कोर विथ अंडर स्कोर सीवम आप लोगों को समझाया जाएगा और कोई ज़्यादा डाउट होगा तो आप बताइएगा बस बैंकिंग सिस्टम ख़त्म होने वाला है दो या तीन और लेक्चर आएंगे फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझा दूंगा ओके थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे